राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और अब जातीय समीकरण इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी दल जातीय समीकरण को साधने में जुट गए हैं। राजस्थान में कास्ट पॉलिटिक्स देखी जा सकती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कास्ट पॉलिटिक्स में दांव लगाते हुए दिख रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा भी इस समय खासे चर्चा में है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजस्थान में हावी जातिगत समीकरण के बीच सीएम अशोक गहलोत को 36 कौम का प्यार इस बार भी मिल पाएगा, क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहले भी कहते आए हैं कि उन्हें 36 कौम का प्यार मिला है। मेरी जाति का मैं अकेला विधायक हूं तो इस बार क्या होगा। खुद सीएम अशोक गहलोत माली सैनी समुदाय से आते हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में सीएम गहलोत एकमात्र माली विधायक हैं। इससे पहले बीजेपी के शासन में प्रभुलाल सैनी विधायक का चुनाव जीतकर मंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में वो चुनाव हार गए। गहलोत कहते रहे हैं कि जाति आधार से कोई सीएम नहीं बनता है। राजस्थान में जब जब चुनाव आया है, हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चलता आ रहा है और इस बार कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट करना चाहती है। राजनीतिक दल अभी भी इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सी फैक्टर यानी कास्ट फैक्टर पर भरोसा करते आए हैं और सियासी जानकारों का ये कहना है कि जाति यहाँ राजनीति को निर्धारित करती है और अक्सर योग्यता, उम्र और पेशेवर क्षमता को पृष्ठभूमि में धकेल देती है। सीएम गहलोत बार बार अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। गहलोत माली समुदाय से आते हैं। ये समुदाय बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन अब हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जातिगत समीकरण इतने हावी हैं कि योग्यता, उम्र और क्षमता पर जाति अब भारी पड़ती दिख रही है। सभी दल हर जाति के वोटर्स को जोड़े रखना चाहते हैं, तो चुनाव से पहले विभिन्न जाति आधारित संगठन मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जाटों पर तो बीजेपी को राजपूत और ब्राह्मण वोटों पर भरोसा है। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बरकरार रखकर संकेत दिए हैं कि वो जाटों को नाराज नहीं करना चाहती है, जबकि बीजेपी ने चुनाव से पहले ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाकर अपने मूल वोट बैंक को साधने की कोशिश राजस्थान में की है। अब इस पर सियासी जानकारों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में मीणा, गुर्जर और एससी के लोग हार जीत का फैसला करते रहे हैं। मारवाड़, मेवाड़ और बागड़ में जाट, राजपूत और ओबीसी वोटर्स राजनीतिक दिशा तय करते हैं। सियासी जानकारों का ये कहना है कि 200 में से 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर जातिगत समीकरण पूरी तरह से हावी है। इस बार जातिगत समीकरण साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से लामबंद है। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि राजपूत वोट साधने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह की सभाएं करवाई हैं और राजपूत समाज बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार वो छिटक गया था। इस बार भी राजपूतों की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, तो सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में जाति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जाति आधारित वोटों के विभाजन की ओर ले जाती है। हालांकि सरकार ने 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है, लेकिन राज्य में 272 जातियां और उपजातियां हैं और कई जातियां हर चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होती हैं। पिछली जनगणना के मुताबिक राजस्थान की जनसंख्या में 89% हिंदू, 9% मुस्लिम और 2% अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13%। तो अनुमान ये भी लगाया जाता है कि जाट समुदाय की आबादी 12% है। गुर्जर और राजपूत समुदायों में से हर एक का 9% हिस्सा है। ब्राह्मण और मीणा समुदाय की जनसंख्या 7-7% है। जाट महाकुंभ में कांग्रेस और बीजेपी के जाट विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य समुदाय की इस मांग पर जोर देना था कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। जाट मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले डोटासरा और पूनिया दोनों ही जाट महाकुंभ में शामिल हुए। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जाति आधारित संगठन सभाओं के माध्यम से विधानसभा चुनाव से पहले बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
राजस्थान के चुनाव में ये जातीय समीकरण कितना हावी रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जातियों को साधने में जुटी हुई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।